दोस्तों, एक समय था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकारों ने जी तोड़ मेहनत करके दिन रात शूटिंग करके अपने आप को फिल्मों में काम करने लायक बनाया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना हर शौक छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज उन्हीं कुछ कलाकारों के बच्चे अपने शौक पूरा करने के चक्कर में अपने करियर को पूरी तरह से बर्बाद करने के कगार पर आ चुके हैं। ये वो स्टार किड हैं जिन्होंने गोल्डन स्पून में जन्म तो लिया है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं की, और आज ये अपने शौक के चलते अपने करियर को बनाने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड सितारों के उन्हीं बच्चों से रूबरू करवाएंगे जिनका पूरा ध्यान अपने करियर से ज्यादा अपने शौक को पूरा करने पर लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं इन बिगड़े हुए स्टार किड्स के बारे में। नंबर एक पर है आलिया भट्ट। अभिनेत्री आलिया भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितनी कामयाब है ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सबको ये भी पता है कि आलिया को ड्रग्स शराब पीना कितना पसंद है, जिसकी वजह से अब इनका धीरे धीरे एक्टिंग करियर थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जब से लोगों को इनके इस शौक के बारे में पता चला है, तब से लोग इनकी फिल्मों को देखना अवॉइड कर रहे हैं और ये भी कुछ खास अब एक्टिंग करियर पर फोकस नहीं कर रही हैं। नंबर दो पर है खुशी कपूर। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर हमेशा अपने गुड लुक्स और अच्छे बिहेवियर के लिए पब्लिक में जानी जाती हैं। मगर आपको बता दें कि इन्हें अक्सर लेट नाइट पार्टी में अल्कोहल पीने का काफी शौक है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर मीडिया को इग्नोर भी करती हैं। हालांकि अगर खुशी कपूर अपनी बड़ी बहन जाह्नवी कपूर की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देती तो आज ये भी अपनी बहन की तरह बॉलीवुड में कामयाब होती। नंबर तीन पर है शनाया कपूर। दोस्तों, आप संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर को कैसे भूल सकते हैं, जो दिखने में काफी बोल्ड और क्यूट हैं। मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अडल्ट होकर भी कोई काम धंधा नहीं कर रही हैं, बल्कि इन्हें तो हर वक्त बेली डांस करने का जुनून सवार रहता है, जिसे पूरा करने के लिए ये हमेशा इंस्टाग्राम पर डांसिंग वीडियोस को अपलोड करती रहती हैं, और इनका ये डांसिंग का शौक एक दिन इन्हें जरूर ले डूबेगा। नंबर चार पर है सुहाना खान। जी हाँ, शाहरुख खान की इकलौती बेटी सुहाना खान को कैसे भूल जाएं, जो अपने करियर पर फोकस ना करते हुए बस अपनी इंस्टाग्राम फोटोज पर ज्यादा फोकस करती हैं। इनका फोटो शूट का शौक किसी का भी दिमाग खराब कर दे। हालांकि ये इतना फोकस अपने एक्टिंग करियर में करती तो आज बॉलीवुड में सुहाना खान भी एक जाना माना नाम होती। नंबर पाँच पर है इब्राहिम अली खान। जी हाँ, इस लिस्ट में अभिनेता सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान का भी नाम शुमार है, जिन्हें अक्सर पूल पार्टी करते हुए देखा गया है। ये इतने अय्याश किस्म के बच्चे हैं कि इन्हें अभी अपने करियर और स्टडी से कुछ खास लेना देना नहीं है। ये तो बस फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमते हुए हुड़दंग करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ना तो इनकी स्टडी अच्छी हो रही है और ना ही इनके आने वाले करियर का कुछ अता पता है। नंबर छह पर है आरव कुमार। जी हाँ, इस लिस्ट में खिलाड़ी कुमार अक्षय के फिट बेटे आरव कुमार का भी नाम शुमार है, जो अभी सिर्फ 19 साल के हैं। मगर 19 साल की उम्र में लड़कियों को यहाँ से वहाँ घुमाने का इन्हें बहुत ज्यादा शौक है। हालांकि ये अपने स्टडी पर भी फोकस करते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर समय तो इनकी गर्लफ्रेंड्स के घर आने जाने में ही बीतता है, जिसे कई बार मीडिया में स्पॉट भी किया गया है। नंबर सात पर है अनन्या पांडे। जी हाँ, 23 साल की चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का भी एक अजीबोगरीब शौक है, जहाँ पर ये फिल्मों में एक्टिंग करने से ज्यादा बोल्ड फोटोशूट और लेट नाइट पार्टीज का बहुत ज्यादा शौक रखती हैं, जिसमें ये काफी बोल्ड और हॉट ड्रेसेस पहनकर लोगों के बीच में नाचती गाती हैं। हालांकि इन्होंने अभी तक बॉलीवुड में कुछ ही फिल्मों में काम किया है, जिसमें इनकी वो फिल्म हिट तो रही, मगर इनकी एक्टिंग तो हमेशा ही लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। पर ये अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करने के बजाय फालतू की पार्टीज और नशा करती हुई नजर आती हैं। नंबर आठ पर है आर्यन खान। जैसा कि आपको पता है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इन दिनों एनसीबी के कब्जे में है, जो ड्रग्स लेते हुए रेव पार्टी में पकड़ा गया था।
लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्यन खान ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जहां पर ये बॉलीवुड में आने के लिए डायरेक्शन भी सीख रहे थे। मगर डायरेक्शन सीखते सीखते ये अपने ड्रग्स लेने के शौक को पूरा करने लगे और इसी के चलते पिछले 4 सालों से आर्यन बार बार ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, जिसकी वजह से आज ये जेल में बंद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी स्टार किड को अब भी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।